अपना घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट था, लालचना स्टार्ट हो गया। और एक दिन ऐसा था, अली भाई को किसी ने सपोर्ट तक नहीं की थी। अली भाई रोता मरता रह गया था, यार मेरी कोई हेल्प कर दो, मुझे कुछ रिकवर कर दो। लेकिन कोई भी कहता था, साला अपने पेट का सोचता था, कभी भी उसने ये सोचा नहीं था कि यार वो बंदा मजबूर है, हम उसकी हेल्प कर दें। और क्या सोच रहे तुम लोगों को, क्या लगता है तुम्हें कोई जेब से निकाल के देगा, ये लो और जाओ तुम लोग अपना लॉस रिकवर कर लो। कैसे हो एवरीवन, आज फाइनली आपकी फरमाइश पे वीडियो आ गई है मेरी खुद की ट्रेडिंग स्टोरी के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक खास चीज़ बताने लगा हूँ, ये जो मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा ना, या तो ये गलतियाँ आप कर रहे हो, या कर चुके हो, या फिर करने वाले हो, ठीक है, क्लियर। इस वीडियो के अंदर जितनी आप ट्रेडिंग सीखते हो ना, उससे कई हिस्से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये चीज़ें सब करते हैं और इन्हीं चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है, यानी कि अलिफ से लेके ये तक भी, ठीक है। इंशाल्लाह आज मुकम्मल अपने बारे में बताऊंगा, वही बातें बताऊंगा जो मेरे साथ हुई हैं, और आप भी कमेंट में बताने वाले हो जिनके साथ ये हो चुकी होंगी ना, वो खुद बोलेंगे हाँ अली भाई वाकई हमारे साथ ये हो चुका है, आप इमोशनल भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की, तो बस अभी से एक लाइक करो, सब्सक्राइब बाद में देखेंगे, दिल करे तो कर देना। दोस्तों ये बात है 2019 की। अब अगर मैं अपने YouTube के करियर की बात करूं तो 2017 में मुझे एक शौक पड़ा था YouTube पे वीडियो बनाने का। तब मुझे इतना खास इल्म नहीं था YouTube पे वीडियो किस तरह बनाते हैं, मुझे इतना पता था बस आईडी बनाई है और बस वीडियो सेंड करनी है, ना कोई टाइटल थंबनेल किसी चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। ये 2019 तक चलता गया और मेरा YouTube चैनल नहीं बना था, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने कितने YouTube चैनल बना के डिलीट कर दिए। 2019 में मेरे आगे ना एड्स वगैरह आती थी कि भाई इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाओ, पैसा डालो, एक क्लिक में आपको इतने पैसे आ जाएंगे। 6 महीने तो ऐसे ट्रेडिंग ब्रोकर को मैं इग्नोर करता रहा कि यार क्या ऐड आ रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा यार चलो इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा डाउनलोड कर लेते हैं ट्रेडिंग की, पैसा डाल के देखेंगे क्या वाकई ये पैसे देता है। मैंने रैंडमली एप्लीकेशन एक ब्रोकर पकड़ा, अकाउंट बनाया और वेरीफाई कर लिया, क्योंकि वेरीफाई करना तो मुझे आता था। और मज़े की बात बताऊं कि वेरीफाई जब मैंने कर लिया ना और उसमें मैंने डिपॉजिट कर लिया, तब तो पाकिस्तान में $10-2200 के मिलते थे, तब डॉलर का रेट भी कम था। मैंने $10 डिपॉजिट कर लिए दोस्तों, यकीन जाना जब मैंने $10 डिपॉजिट किए, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का इलम नहीं था, तो जारी बात है यार मैंने तुक्के ही तो लगाने हैं, तुक्के के अलावा तो मुझे ट्रेडिंग का क्या करना था। भाई जान मैंने उसमें एप्लीकेशनों से डिपॉजिट कर दिया, PKR को कन्वर्ट करके डॉलरों में लाए, फिर आके ब्रोकर में डिपॉजिट किया और मैंने $2-3 की ट्रेडें लगाने लग गया तुक्के पे। वो जब $10 से गया $30, अब वो जब $30 गया तो मैंने गूगल पे सर्च किया, वो तो अच्छे खासे पैसे बनना शुरू हो गया भाई, मेरे ख्वाब देखने वाले दिन शुरू हो गया। और ना जब एक पहला प्रॉफिट होता है और आप ख्वाब देखना शुरू हो जाते हो, सर मेरा पहला ख्वाब था, क्योंकि मेरी एक मोबाइलों वाली शॉप भी थी, ठीक है, मैं मोबाइलों का रिपेयरिंग का काम भी करता था। पहला मेरे जहन में ख्वाब आया यार ये तो एक 10 मिनट में मैंने $10 से $30 बना लिए, अब मैं अपनी दुकान में सामान डालूंगा और दुकान बड़ी हो जाएगी। पहला मेरा ख्वाब ये था। अब मेरे अंदर लालच बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये जो $10 हैं जो तुक्के लगा रहा हूँ, इनको $30 तक ले गई, अब $20-20 की ट्रेड लगाता हूँ। तो भाई मैंने सोचा कि मैं $15 की लगाऊंगा। अब मैंने $15 की 2 ट्रेडें लगाई और दोनों ही विन हो गई, और वो कहाँ पे चले गए आप हिसाब लगा लो भजन, $60 एक मिनट में मेरे पास आ गए, मैं बड़ा खुश। अब मेरे ख्वाब वहाँ से कन्वर्ट होकर चले गए भाई घर की तरफ, अपना घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, क्योंकि प्रॉफिट था, लालचना स्टार्ट हो गया। अब मैंने करके $80 अर्न कर लिए $10 से, तो कैसे ही? अब इमेजिन करो कि मेरे ख्वाब इससे भी बढ़ गए। अब जब ख्वाब इससे बढ़ गए तो भाई मैंने सोचा कि यार अब मैं $40-40 की ट्रेड्स वगैरह लगाता हूँ। वो भाई मैंने 40 की नहीं लगाई, मैंने $30-30 की इकट्ठी लगा दी और वो लॉस हो गए। ये था मेरा लालच। अब मेरा जो पहला प्रॉफिट था ये था कि $10 से $80 तक मैं ले गया। मैं अपनी स्टोरी असादा आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, ताकि एक एक बंदा जो अगर गांव में भी बैठा है, जो जिस जो इंग्लिश को नहीं भी समझता, वो भी इंशाल्लाह ये समझेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली और फैमिली की तरह मैं आपको मानता हूँ इंशाल्लाह। अब वो $80 का मेरा प्रॉफिट मोटिवेशन था। अब मैंने जब बड़ी बड़ी एंट्रियाँ लगाई $30-30 की और वो मेरा टोटली लॉस हो गया, अब मेरे अंदर डिप्रेशन आ गया, ओवर थिंकिंग आ गई कि भाई मैं $10 से $80 ले गया, अब मैंने उसको कवर करना शुरू करना था।
अब मैंने और पैसे डाले। सर जी मैंने उसमें तकरीबन तकरीबन 10,000 रुपये और डाला, और उसको कवर करने के लिए मेरे जहन में एक ही बात थी, अब जो मैंने गवाया है मेरे $10 ही मेरे मेरे खुद के बाहर आ जाए मेरे लिए वो काफ़ी है। तो भाई वो भी मुझे उल्टा लॉस हो गया, एक बिगनर था यार, 2019 की बात बता रहा हूँ, अब वो भी लॉस हो गया भाईजान। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तो एक दिन डिप्रेशन में रहा, डिप्रेशन कह रहा हूँ, इंप्रेशन में, कोई टेंशन कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, ऐसा लगता था कि यार अंधेरे से भी डर लगता था, ऐसा लगता था यार मैं कर क्या चुका हूँ। भाई मैंने अगले दिन आकर वो एप्लीकेशन डिलीट कर दी, मैंने सोचा अब मैं ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाने वाला, ठीक है। अब दोस्तों मैंने जब ऐप को डिलीट कर दिया और मैंने कहा अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला, अब 2019 का था तब डॉलर भी कम था, तो सर मैंने अपनी शॉप की तरफ तवज्जो देना स्टार्ट होगी। बस मैं कह रहा था भाई ट्रेडिंग मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं ये करने वाला, क्योंकि मुझे काफ़ी लॉस हो चुका था। ठीक 3 महीने बाद वो वीडियोस वगैरह आती है ना शॉर्ट ट्रेडिंग पावर, पावर ऑफ द ट्रेडिंग, इतना पैसा, अब मेरे अंदर जुनून आना स्टार्ट हो गया। अब मेरा एक दोस्त था, अब वो भी आके मुझे बोले यार ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, मैं तुझे बताऊंगा ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। मैंने अब भाई मेरा जोश भी बढ़ा हुआ था, मैंने उसके भाई बात के करने के तरीके से ना मैंने भाई ट्रेडिंग में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे वहां से मैंने कितना, अब मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा डिपॉजिट करूंगा और मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। मेरी दुकान के अंदर मानो कि मैंने ना वहाँ पे ना सब दुकानदारों ने मिलकर कमेटियाँ डाली हुई थी, सच्ची कह रहा हूँ कि यार वो सब डेली का 100-100 रुपये देते थे कि वो हमारी कमेटी थी। भाई लगते हो मैंने उस कमेटी में से 50,000 रुपया लेके डिपॉजिट ट्रेडिंग में कर दिया। सर जी 50,000 से मैं तकरीबन 80,000 अर्न कर लिया, और देखो ना लालच है, मेरे अंदर का लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी कमेटियाँ भी पूरी हो गई और ऊपर प्रॉफिट भी आ गया, मैं इसको निकाल लेता हूँ, मैं अपने आप को करूँ मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब क्या मैं सोच रहा हूँ एक और डील लगाता हूँ, एक डील उसके बाद मैं सारा निकाल लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो एक डील लगाई और वो लॉस हो गई, ऐसे कोई $10-15 की मेरी आईडिया में है, $10-15 की डील थी और वो मुझे लॉस हो गई। और जब वो मुझे लॉस हुई, अब मैंने उसको रिकवर करने के लिए कहा कि यार चलो अब मैं $20 की ट्रेड लगाता हूँ, चलो ये भी रिकवर होगी, वो भी लॉस हो गए। इस तरह करते करते एक डील को कवर करने के चक्करों में मैं टोटली लॉस हो गया। अब आप जानो कि मेरे साथ हुआ क्या है दोस्तों, मेरे ऊपर कर्जा, इसका ट्रेडिंग का, जिनकी कमेटियों से मैंने पैसे उठा के लगाए हुए थे, अब मंथ भी नज़दीक आ गया, जिसकी कमेटी निकलनी थी उसको भी पैसे देने थे। यकीन करें मैं इतना परेशान, मैं दीवारों के साथ लग के रोता था कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कैसे हो गया, और मैं क्या करने लग गया आपकी तरह ट्रेडिंग को बुरा भला कहने लग गया। हालांकि ट्रेडिंग ने मुझे नहीं बोला कि भाई ओवर ट्रेड करो, वो तो मेरे अंदर का जो अंदर का इंसान है ना उसने मुझे उलाया कि भाई कर। अब मुझे अंधेरे से डर लगे, मुझे ऐसे लगे कि सब खत्म हो गया, मैं कहूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये मेरे साथ एक हफ्ता चला, उसके बाद घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छे तरीके से गाइड किया, उन्होंने बोला बच्चे वो पैसा किस्मत में नहीं था, चला गया, परेशान नहीं होना। अब मेरे पास एक ही टारगेट था कि ट्रेडिंग को मैं लाइफ में हाथ नहीं लगाने वाला, या बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब बताने लगा, मैं लाइफ में हाथ नहीं लगाने वाला। मैंने कुछ शॉप की चीज़ें बेची, बेच बूझ के मैंने ट्रेडिंग वो जो है ना कमेटियों के पैसे वो कवर किए, और फिर जाकर मुझे कुछ सुकून आया। अभी 2019 ही चल रहा था, 2019 के 2 मंथ बाद यानी कि 2020 आना था। अब देखो 2020 जब आया, अब मैंने इतने लॉस के बाद एक चीज़ इमेजिन कर ली कि अगर मैं उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलता तो शायद मुझे कुछ सीखने को मिलता। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ दोस्तों, मैंने कभी यूट्यूब पर जाकर रिसर्च नहीं किया जी ट्रेडिंग करते कैसे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। मैं अक्सर लोग ट्रेड करने आते ना बिगनर, यूट्यूब पे सर्च करते हाउ टू ट्रेड विन टू एवरी ट्रेड, मैंने कभी किया ही नहीं था, मुझे सिर्फ जुनून था। वो जो पहला प्रॉफिट $10 से $80 हुआ था मेरे जहन में वही था, उसके अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं था, ठीक है भाईजान। 2019 गुजर गया, मैंने ट्रेडिंग की तरफ तौबा कर ली, मैंने कहा भाई मेरे ये वश में नहीं है, बट तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब 2020 आया, अब वो क्या बताने लगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो 2020 आया तो मेरा चैनल था एक्टर पीएच, जिसके अंदर मैं पहले रोस्टिंग करता
रोस्टिंग करता था, उसके बाद टैग की वीडियो बनाता था। अब हुआ क्या, मेरे पास एक एप्लीकेशन आती है, एक ब्रोकर आता है और उसके अंदर मिनिमम $5 का डिपॉजिट होता था। अब मैंने बोला कि आज कुछ प्लान्स बनाता हूँ, कुछ रूल्स बनाता हूँ मार्केट में ट्रेड लेने के। जब मैंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्लान्स बनाए, वो तकरीबन मैंने एक हफ्ते तक फॉलो किए 2020 में। अब मेरे साथ क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे अंदर का जो लालच था वो अभी मरा नहीं था। अब मेरे अंदर का लालच ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने वो भी लॉस कर दिया। प्रॉपर मुझे एनालाइज करके भी ना, थोड़ी बहुत जो मुझे स्ट्रेटजी आती थी वो एनालाइज करके भी मेरे अंदर का लालच नहीं खत्म हुआ था। उस लालच चक्कर में मैंने $5, $10, $20 लॉस कर दिए। लेकिन तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैंने ठान लिया कि अब मैंने ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है। मैंने वेबसाइटें खोल दी, गूगल पर रिसर्च कर दिया, अब ट्रेडिंग सीखने की तरफ मैं चल गया। ये जो पीछे बताई ये मेरी गलतियाँ थी कि मेरे लालच ने मुझे इतने बड़े लॉसेस कैसे दिए। अब मेरे यकीन नहीं जानोगे कि इन लॉसेस की वजह से मैं उस टेंशन में कैसे गुजरा हूँ। ये जिन्हें लॉसेस हुए हैं उनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। अब जब मुझे 2020 के अंदर $10-12 का लॉस हुआ, $20 का, अब मेरी असल जर्नी स्टार्ट होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ। इसको ज़रा गौर से सुन लें। अब जी मैंने ट्रेडिंग का सोचा कि अब मैंने ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है और सीखनी है, अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला। सर जी यकीन जाने, आप मेरी जान के टूटे हो, आप यकीन माने कि मैंने 6 मंथ दिन रात ट्रेडिंग को दे दिया। अपनी दुकान की तरफ, अपनी शॉप की तरफ तवज्जो ही नहीं देता था। मैंने भाई गूगल पे जाना, जितने भी गोरे थे बाहर के उनके टेलीग्राम ज्वाइन करके उनसे पूछता था कि क्या हमें फ्री सीखना चाहिए कि हमें कोर्स सीखना चाहिए। जो लालची होते थे, आओ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, हम आपको सिग्नल देंगे तो आप प्रॉफिट करना। सच में आज तक मैंने कभी किसी के सिग्नल ज्वाइन नहीं किए क्योंकि मैं खुद इतना लॉस कर चुका था और मैंने अपने आप से वादा किया था कि 6 मंथ मैंने अभी सीखना ज़रूर है। तो यकीन करो 2020 के 6 मंथ मैंने तवज्जो दी, गौरों से बात की, वो मुझे कुछ गाइडेंस दें, कुछ मुझे बोलें हमारे लिंक से ज्वाइन हो जाओ, कुछ मुझे कुछ और कुछ। फिर मैं यूट्यूब इंडस्ट्री से गया, यूट्यूब पे मैंने सर्च करना शुरू किया, मुझे एक बंदे की वीडियो समझ आई, दूसरे की, तीसरे की, हालांकि वो इंग्लिश में बताते थे, इतनी तो नॉलेज थी ना कि उसको मैंने कैसे समझना है। वो समझते समझते मैं मार्केट में 2 घंटे बैठना शुरू हो गया। डेमो पे मैंने स्पोर रेजिस्टेंस हर एक चीज़ को फॉलो करना, सिर्फ 2 घंटे मार्केट में, सिर्फ 2 घंटे बैठना, और उस 2 घंटे के अंदर मैंने मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है और डेमो पे ट्रेड देनी है। मैंने 6 मंथ तक बिना किसी नागा, मतलब कोई दिन नहीं मैंने ऐसा छोड़ा कि जिस दिन मैं डेमो पे एनालाइज 2 घंटे ना करूं। अब मुझे नहीं था पता, फिर भी मैं करता रहा, कुछ यूट्यूब से टिप्स ली, कुछ ट्रिक्स ली, कुछ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डेमो पे करता रहा। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद 2 मंथ ऐसे आए कि जब दिल करे यार क्या प्रैक्टिस कर लूँ मैं ना, डिपॉजिट कर लूँ, हम मुझे समझ आ गई है, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी आ गई है, लेकिन जो मैंने अपने आप से वादा किया था उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा यार दो मर्जी होता हो, मैंने सीखना है, 6 महीने तक तो मैंने डेमो पे प्रैक्टिस करनी करनी है, ये जिद थी मेरी मेरे साथ, और मैंने करनी और करनी ही है। फिर 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, दिल के अंदर फिर लालच है यार $10 डिपॉजिट ना कर लूँ, अब तो मुझे अच्छे एनालाइज आ रहा है, दिल बड़ा करे, लेकिन मैं खुद को बोलूँ नहीं, सिर्फ 2 मंथ हो रहे हैं। 6 मंथ तक यकीन जानो मैंने मार्केट के लेवल से लेके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्पोर, रेजिस्टेंस, एक एक चीज़ को फॉलो कर लिया था, कैंडल के नाम, चार्ट पैटर्न। 6 मंथ वो कैसे हुआ, सिर्फ 2 घंटे जो मैं डेली बिना किसी नागा, बगैर किसी छुट्टी के जो मार्केट के अंदर बैठता था उसे एनालाइज करता था। देखो ना, आप जब एक रास्ते पे चलते हो ना तो उस रास्ते के आगे काफ़ी रास्ते खुलते नजर आ जाएंगे। जब आप रास्ते के खड़े होकर बोलोगे यार इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं लगता, तो ना तो आपको कोई रास्ता मिलेगा, ना कुछ लेनी ना देनी। जब आप चलना स्टार्ट होगे तब आपको रास्ते मिलेंगे। अब 6 मंथ बाद भाइयों क्या हुआ, 6 मंथ बाद मैंने अपने जेब से $50 डिपॉजिट किए, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए $50 को $100 तक ले गया। अब था साल एंड होने को, यानी कि इनके 2 महीने जो है ना मैं ट्रेड करता रहा छोटी अमाउंट से, अब साल एंड होने में 2021 आने वाला था। अब 2021 में मेरा तजर्बा
तकरीबन तकरीबन 35% हो चुका था। अब 2021 में मैं एंटर हो गया और यूट्यूब पे ये भी बताने लग गया एनालाइज कि मार्केट को एनालाइज किस तरह करना है। 2021 में मैंने एक चीज़ एनालाइज कर ली कि मार्केट चलती है बायर और सेलर के प्रेशर के हिसाब से। फिर मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखा। फिर मैंने देखा कि जब मार्केट में एक बिगिनर गलती करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहाँ पे प्रॉफिट करता है, जब ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की तो मुझे मार्केट के अंदर वो दम पता चल गया, एक मिसाइल कि मिसाइल कहाँ से आग लगाएंगे और कहाँ तक प्रेशर लेके जाएगा, और मुझे वो चीज़ समझ आ गई। एंड देन उसके बाद मैं एक बड़े एक बंदे के कोर्स का 2021 में मैंने एक बंदे का कोर्स ज्वाइन किया था। अब मैंने उसका कोर्स ज्वाइन किया और वो मुझे वीडियो कॉल में तकरीबन एक मंथ कोर्स देता रहा 2021 में। अब वो चीज़ें जितनी भी मुझे पता थी कोर्स में मुझे वही सिखा रहा है, ये नाम है, ये चार्ट पैटर्न है, ये स्पोर्ट है, रेजिस्टर है, इस तरह। तो मैं पैसे दे बैठा था और मैंने बस वो उसकी तरफ तवज्जो दी, लेकिन कुछ बातें उसकी मुझे समझ में आई थी जो मुझे नहीं पता था। अब उस एक मंथ के कोर्स के बाद मैंने मार्केट को 2 मंथ और दिए, क्योंकि जो मैंने 2020 में $50 से $100 किए थे ना, उसको विड्रा लगा के मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं की थी। 2021 में जब मैं ट्रेडा स्टार्ट करने लग गया, 2-3 मंथ के अंदर मैं 45% मार्केट को एनालाइज करने चुका हो चुका था। अब जब मैं इतना मार्केट को एनालाइज करने वाला हो गया, तो अब मैंने क्या किया कि जो मुझे इल्म था मार्केट की हकीकत का, तो पहली वीडियो में मैंने बता दिया और मैंने साफ साफ बोला कि भाई मार्केट चलती है बायर और सेलर के प्रेशर के हिसाब से। अब हम लोग फंसते हैं स्पोर्ट और रेजिस्टेंस से, ठीक है। तब हमने मार्केट के अंदर फॉलो करना है जब दूसरे लोग जो बिगिनर स्पोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट पंप कर रही है और ऊपर रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे सब बिगिनर ने सोचा कि भाई डाउन की जाएगी, और आप भी डाउन के लिए गए हो और मार्केट का पंप भी डाउन के लिए आ गया। ये चीज़ें जब मैंने ऑब्जर्व की मार्केट के अंदर कि भाई किस वजह से मार्केट चलती है, कितनी डिमांड आती है, कितनी मार्केट में सप्लाई आती है, तो मैं उसको चीज़ें को लेते लेते ले चला गया मार्केट में। अब मैंने पहली वीडियो 2021 में बना दी ट्रेडिंग की, और बना के मैंने पोस्ट कर दी और छोड़ दिया, ठीक है। अब 2021 में मार्केट को फिर एनालाइज करने लग गया, डिपॉजिट भी करता था $10-$10, और जितना भी, अब देखो मैंने 2021 में एक चीज़ ज़रूर फॉलो किया कि जब मैं $10 से ट्रेड करता था ना, $10 को 20 से ले गया, $1-$2 की ट्रेड लेके 20-30, एक पूरा साल 2021 का ना मैंने 10 डिपॉजिट किए और जितना प्रॉफिट हुआ उसको निकाल लिया, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, निकाल के खा लिया, और उसके बीच में ना एक हफ्ते का मैं गैप डाल देता था ताकि मैं एक हफ्ता टेंशन जो कमाया है ना उसको घर में खर्च करूँ और खाऊँ और सुकून से रहूँ। फिर एक मंथ बाद उसमें मैं $10 और डिपॉजिट करता था। कभी ऐसे मंथ आते थे और ऐसे वीक आते थे जिस दिन मेरे से लॉस भी होता था, ठीक है। फिर ऐसे हफ्ते भी आते थे जिससे मैं $10 से $40-$50 अर्न कर लेता था। अब 2021 में ये सिलसिला चलता रहा। अब थी 2022 की एंट्री, और तब तक मैं मार्केट में 75% एनालाइज करने वाला ट्रेडर बन चुका था, यानी कि मार्केट को समझने वाला। अब देखो 2019 में मेरे से मिस्टेक हुई, एक साल भी नहीं, तकरीबन 7-8 मंथ मैं गलतियाँ की, क्योंकि बीच में हमने वक्फा भी डाल दिया, छोड़ा था। 2020 में मैंने मार्केट को सीखना स्टार्ट किया। 2021 में मैं प्रॉफिटेबल में से 35% हो चुका था, और 21 में 22 आने तक मैं तकरीबन 75% मार्केट से धक्के ठुड्डे खा के ये समझ चुका था कि मार्केट का प्रेशर, मार्केट के अंदर बायर और सेलर, डिमांड जोन, ये चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं, इनको हमने अपने मुताबिक किस तरह चलना है, ठीक है। ये भाई 2021 में भी हो गया, मेरे हो गया 1 साल 19-20-21, 3 साल हो गए। अब आया चौथा साल 2022। अब इसमें दोस्तों मेरे वीडियो का जो वर्किंग था, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे ट्रेडिंग की वीडियो चलने लग गई, लोगों को मेरी स्ट्रेटजी समझ आने लग गई, लोग नीचे कमेंट करने लग गए, अली भाई जो भी स्ट्रेटजी बता रहे हो हमारी बहुत फ़ायदेमंद हो रही है, हम पहले लॉस करते थे अब हम प्रॉफिट करते हैं। और सच में बताऊं कि मैं कभी भी टेलीग्राम के सिग्नल के चक्रों में कभी भी नहीं पड़ा था। अब जब 2022 में आया था तो 2022 में भाइयों मेरा एक लॉस हुआ था। अब वो लॉस सुन लो, बहुत बड़ा मेरा लॉस था, सच में तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, लॉस कोई भी नहीं बताता, लेकिन मेरा एक बड़ा लॉस हुआ था 2022 में, वो सुनो।
अब 2022 में मैं ट्रेडिंग करने लग गया हर मंथ के अंदर ना, मैंने डेली का रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ट्रेड करते करते मैंने तकरीबन तकरीबन दोस्तों यकीन नहीं करोगे $400 से तकरीबन $3,021 तक एक अकाउंट को ग्रो करके ले गया 2022 में। अब मेरे पास भाईजान एक मंथ के अंदर मैं $3,021 को ले गया इतनी छोटी रकम से। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैं अब प्रॉपर ट्रेडर बन चुका हूँ, बस मेरे में एक चीज़ कमी की रह चुकी थी जिसे मैंने कवर करना था, वो थी मेरा इमोशनल। कई दफ़ा मेरा इमोशनल मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, ठीक है। अब मैंने 3021 को ले गया, फिर नेक्स्ट मंथ मैं उसको ले गया $8,000 तक अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करते करते। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन करें मैंने तकरीबन $16,281 ये ले गया था। अब दोस्तों मेरे साथ जो हुआ था ना, आप यकीन जानो आप खुद बोलोगे यार क्या हुआ। अब तो भाई हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, अब उस प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार इसको विड्रॉ कर लूं, लेकिन माइंड में आया क्यों ना इसको $18,000 तक ले जाएं फिर विड्रॉ करेंगे, और मैं लेके भी गया। अब वो $18,000 की आप रकम गूगल पे कर लो। दोस्तों यकीन जाने कि मैं फिर अंदर एक इमोशनल जगह कि यार ये ना 2000 है ना तो $20,000 हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं 20,000 करके निकाल लूँगा और काफ़ी मेरे पास रख गया, मैं ख्वाब भी बढ़ गए। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशनल था, लेकिन उस इमोशनल के बाद मेरे लिए गम था, उस खुशी के बाद मेरे आगे गम आना था 2022 में। दोस्तों मेरा जब 2000 के मैंने दो एंट्रियाँ लगाई कि चलो $20,000 क्लियर हो जाएगा, और वो यकीन जानो 2000 की दोनों डीलें लॉस होगी। अब मैं फिर थोड़ा सा घबराया, नेक्स्ट मैंने तीन डीलें लगाई $1,000 की, वो भी लॉस। अब मेरा इमोशनल इतना अजीब सा हो गया था, हालांकि इतनी एनालाइज करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, मैं इतने तकरीबन मेरे लिए दो से ढाई मंथ में मैंने इतना अर्न किया था कि छोटे से अमाउंट से रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट इन चीज़ों को फॉलो करके। और जब ये चीज़ें फॉलो करके आप एक अकाउंट को ले जाते हो, फिर आप एक लालच की वजह से बड़ी बड़ी डीलें लगाते हो ना, तो उसका मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। तीन लॉस, चार लॉस पर इसी तरह मैंने कवर करने के चक्करों में टोटली अकाउंट वॉश कर दिया। क्योंकि अढ़ाई मंथ के अंदर या तीन मंथ के अंदर मैंने कमाए थे, वो मेरे तकरीबन 5 या 10 मिनट के अंदर वो अकाउंट फ्लैश हो गया। अब मेरे लिए वो मोमेंट यार, मैं वो दिल से कैसे बताऊं, वो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर आवाज़ आ रही, मैं अब टेलीग्राम पे भाग रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ मेरा इतना लॉस हो गया, कोई रिकवर करा दो, आप लोग तो इतना प्रॉफिट दिखाते हो। और जब एक मंथ मैं इस चीज़ के अंदर से निकला ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, तो भाई साहब मैंने बड़ा भागा, बट कोई मेरे काम नहीं आया। फिर काम आए मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा इधर से कमाया, इधर ही चला गया, परेशान नहीं होना। फिर मेरे बाप ने मुझे एक मसाल दी, बेटा बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं किया करते। बस यही बात कहने की देर थी, मैंने 2 मंथ के लिए अपने आप को ब्रेक दिया और 2 मंथ के बाद मैंने ट्रेडिंग प्लान प्रॉपर से शुरू किया। अब मार्केट के अंदर इतना बड़ा लॉस खाने के बाद मैंने अपने इमोशनल को ख़त्म कर दिया, इस तरह ख़त्म कर दिया कि वो अब मुझे इमोशनल का पता ही नहीं होता। अपने अंदर साइकोलॉजी को मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, इतना बाहर फेंक दिया कि कभी अगर मैं प्रॉपर एनालाइज कर भी रहा हूँ ना मार्केट के अंदर, तो फिर भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत लालच आए तो उसे मैं इस तरह साइड करता हूँ जैसे करने का हक होता है। जिस तरह मुझे लगे ना कि मैं ओवर ट्रेड करने लगा हूँ, उस दिन मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और बाइक चला देता हूँ। मैं मार्केट को और अपने आप को मौके ही नहीं देता ओवर ट्रेड करने के लिए। अब भाईजान 2022 एंड हो गया था, अब आपके भाई की 2023 में एंट्री होगी और 2023 के अंदर आप सब सामने देख ही सकते हो। 2023 के अंदर प्रॉपर चीज़ें मैनेज करके अब तो भाई 85% ट्रेडर में मैं शामिल हो चुका था, उन 5 में शामिल हो चुका था जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। अब मेरे लिए यह था कि मैं बड़ा डिपॉजिट भी करूँ, फिर यूट्यूब भी चैनल हमारा हिट हो गया, दूसरा भी चैनल चलने लग गया, अब दोनों चैनलों पे काम भी करना, फिर टिकटॉक पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्यार करने लग गए।
अब मेरा काम यह था कि भाई सब लोगों को साथ लेके चलूं और लाइव स्ट्रेटजी बताता चलूं। और डेली क्या आपको पता, मैं लाइव स्ट्रेटजी बताता हूं, ठीक है, लॉस भी हो तब भी दिखाता हूं, प्रॉफिट हो तब भी दिखाता हूं। बस इस पूरी स्टोरी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी गलतियां मैंने की हैं ये सिर्फ मेरे लालच की वजह से हुई थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं डरा नहीं, घबराया नहीं है। माँ बाप ने बोला बेटा तू कर, फिर मैंने सोचा कि इसी ट्रेडिंग में मैंने करियर बनाना है, और मैंने वो किया, इतना सीखा, इतना एनालाइज किया, आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। ये सिर्फ आपकी मेहनत है, आपका जुनून और जज्बा है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग सीखो, मैं कहता हूं ट्रेडिंग बेशक सीखो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन है, जिद है, वही तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन बनाएगी। ये हकीकत बात है। तुम लोग जब तक लॉस नहीं ना खाओगे तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। तुम्हें कैसे समझ आएगी, आज तुम्हें तुम्हें $1 से $5 कमा लेते हो, $10 से $200 कमा लेते हो, तुम्हें कदर कब आएगी, जब तुम लॉस हो जाओगे। तुम्हें कैसे एनालाइज करना पड़ेगा, जब तुम लॉस हो जाओगे। तुम्हें मार्केट की किस तरह समझेगी, जब तुम गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट में हमने सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज लोग टेलीग्राम के ग्रुपों के चक्रों में इतना लॉस करके बैठे हैं और मुझे कहते हैं अली भाई मुझे सिग्नल दो, मैं मार्केट में लॉस करूंगा। और एक दिन ऐसा था अली भाई को किसी ने सपोर्ट तक नहीं की थी, अली भाई रोता मरता रह गया था, यार मेरी कोई हेल्प कर दो, मुझे कुछ रिकवर कर दो, लेकिन कोई भी कहता था साला अपने पेट का सोचता था, कभी भी उसने ये सोचा नहीं था कि यार वो बंदा मजबूर है, हम उसकी हेल्प कर दें। और क्या सोच रहे तुम लोगों को, क्या लगता है तुम्हें कोई जेब से निकाल के देगा, ये लो और जाओ तुम लोग अपना लॉस रिकवर कर लो, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ये कड़वा है बट सच है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, उठ के फिर चलना पड़ेगा, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन गिराता है। ये सच है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया यार। अरे भाई छोड़, देखो तुम्हारे लिए इतना तो सच बोलता हूँ यार, मतलब कि ओ भाई। अच्छा यार छोड़ो, बस तुम लोग अभी एक लाइक करो, कमेंट करो। इस स्टोरी को बताने का मकसद ये था कि ये गलतियाँ तुम लोग ना करो। सच में यार बड़ा दुख होता है जब जेब से लॉस होता है और दिल के अंदर कभी कभार ऐसा लगता है कि यार सब ख़त्म हो गया, और जब प्रॉफिट होता है ना तो ऐसा लगता है कि सब पास आ गया। तो आखिरी बात बता रहा हूँ, प्रॉफिट पे खुश नहीं होना, लॉस पे रोना नहीं है। अगर आज प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस हो गया ना, तो याद रहना कल फिर प्रॉफिट होगा। सीखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूटेक्स और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट बनाओ, नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे डिपॉजिट विड्रा करवा सकते हैं। अब आप लोग अपना इतना सारा ढेर सारा ख्याल रखना, बाकी आपका भाई आपके साथ है। जो भी चीज़ की समझ आ लगे मुझसे पूछो, और यार इस स्टोरी में कुछ भी समझ आया ऐसा कमेंट करो कि दिल खुश हो जाए। बाकी लव यू, अल्लाह हाफिज़।